हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो, आज मैं कराऊंगा कि जो रेस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेस पे आता है कि दो पर्सन है, जैसे ए और बी है, वो रेस कर रहे हैं और बी उससे पहले पहुँच जाता है या ए उससे पहले पहुँच जाता है, तो उसमें क्या क्या केसेस हैं और इन क्वेश्चनों को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली रेस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इतना चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे तीन चार लाइनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज करके अगर मैं लिखता हूँ कि अगर वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा ए बीट बी बाय 100 मीटर, तो इसका क्या मतलब है, और इन 1 किलोमीटर रेस, मतलब 1 किलोमीटर की रेस में जो ए है वो मेरा बीट करता है बी को 100 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस, तो इसका क्या मतलब है। अगर सपोज करके ये टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और ए यहाँ से यहाँ तक चलता है पूरा 1000 मीटर, तो ए यहाँ पे पहुँच जाएगा, और उतनी देर में जो बी होगा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, सिर्फ 900। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर, तो बी यहीं तक पहुंचा है, तो बी ने कवर किया 900 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है हमारा, जितने टाइम में 1000 मीटर कवर करता है, उतनी देर में बी सिर्फ 900 मीटर ही कवर कर पाता है। तो जैसे ए बी, तो दोनों टाइम सेम लेंगे, लेकिन ए 1000 मीटर कवर करेगा और बी करेगा मेरा 900 मीटर। तो ये ध्यान में रखना है, एक तो ये पहला केस आ गया। और अगर सपोज करके ऐसे दिया होगा, सपोज कि अगर वही 1 किलोमीटर की रेस है और ऐसे दिया होगा कि ए बीट करता है बी को, बीट बी बाय 10 सेकंड, ए बीट करता है बी को बाय 10 सेकंड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करके ए यहाँ पे पहुँचा है और उसको टी टाइम लगा है, तो बी उस टाइम पे टी टाइम में यहाँ तक पहुँचा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ जाने में बी को कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड्स और लगेंगे। तो मतलब क्या होगा कि अगर ए 1000 मीटर को और बी भी 1000 मीटर कवर कर रहा है, तो ए को टी टाइम लगता है, तो बी को कितना लगेगा, टी प्लस 10 सेकंड्स। तो एक ये कंसेप्ट हो गया, ऐसी लाइन्स आ सकती हैं। तो एक और हो गया कि अब देता है ए करता है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। तो अब क्या है कि जो ए है वो मेरा पूरा यहाँ से यहाँ चलेगा 1000 मीटर, अगर 1 किलोमीटर की रेस है, और बी को वो कितना देता है स्टार्ट, कि हाँ भाई 60 मीटर तुम आगे चले जाओ, तो बी को अब सिर्फ कितना कवर करना है, बी सिर्फ करेगा तुम्हारा 940 मीटर, और ए कितना करेगा 1000 मीटर। तो एक ये पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, आई होप ये सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड्स। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए तो पूरा यहाँ से कवर कर, ए बोलेगा बी को कि पहले तुम 10 सेकंड दौड़ लो, सपोज 10 सेकंड है यहाँ पे, तुम 10 सेकंड पहले दौड़ लो, फिर वही यहाँ पे पहुँचेगा और ए यहीं पे है, बी यहाँ पे है और ए यहीं पे है इस पॉइंट पे, तो अब दोनों दौड़ना शुरू करेंगे और बी यहाँ पे पहुँचेगा, ए यहाँ पे पहुँचेगा और बी यहाँ से दौड़ेगा यहाँ पे पहुँचेगा। तो मतलब जो ए होगा वो मेरा टी टाइम के लिए चलेगा और बी कितने टाइम के लिए चलेगा, टी प्लस 10 सेकंड्स के लिए। आई होप ये सारा क्लियर होगा आपको। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पे और उनको सॉल्व करेंगे, ताकि जो आपका रेस क्वेश्चंस का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। सो, देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर, इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 मीटर, मतलब ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए कितना कवर करेगा 1000 मीटर, बी कितना कवर करेगा 900 मीटर,
क्योंकि मैंने बताया था कि ए कैन बीट बाय 100 मीटर, इसका क्या मतलब है कि ए 1000 कवर करता है उतने ही टाइम में, बी कितना कवर करता है 900 मीटर। अब 400 की रेस है, बी बीट करता है मेरा सी को, बी बीट सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, वेट हाँ अब पूरा क्वेश्चन आया ना। हाँ तो सबसे पहले क्या था कि इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बाय बी बाय 100 मीटर, इसका मतलब है ए मेरा कितना चलेगा, ए चलेगा मेरा 1000 मीटर और बी चलेगा मेरा 900 मीटर। अब दिया है एक और रेस है जिसमें 400 मीटर की रेस है, बी बीट करता है सी को 40 मीटर से, तो बी बीट करेगा सी को 40 मीटर में, मतलब ये मतलब हो गया कि बी 400 मीटर कवर करेगा और सी कितना कवर करेगा 360। तो अब मुझे निकालना है कि अगर 500 मीटर की रेस होगी तो ए बीट करेगा सी को कितने से। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, 0-0 काट दूँ तो यहाँ पे 10:9 आ जाएगा ए बी, अगर यहाँ पे काटूँ 4:10 जा और 4:9 जा। अब यहाँ पे बी 10 है, यहाँ पे 9 है, मैं दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, तो बी दोनों में बराबर आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 90, यहाँ पे भी 90 आ जाएगा बी, तो 9 सा 81। तो अब यहाँ पे 100 चाहिए मुझे, 100 है ए, लेकिन 500 मीटर की रेस हुई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 500, यहाँ आ जाएगा 450, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 405। तो ये निकल गया, मतलब 500 मीटर की रेस होगी तो ए 500 मीटर कवर करेगा, सी कितना करेगा 405, तो कितने से बीट करेगा ए सी को 95 मीटर से हो जाएगा ए पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 40 मीटर और 5 सेकेंड्स। अब ए बीट करता है 40 मीटर या 5 सेकेंड से, इसका मतलब अगर इस लाइन को मैं ध्यान से देखूं तो ए मेरा 1000 मीटर कवर करता है, ए मेरा कवर करता है 1000 मीटर, बी कवर करता है मेरा 40 मीटर कम 960, और जो 40 मीटर है वो बी कितनी देर में कवर कर रहा है 5 सेकेंड्स में। तो अगर मैं बी की स्पीड निकालना चाहूँ, स्पीड ऑफ बी, वो निकल सकती है मेरी स्पीड ऑफ बी, वो कितनी निकल जाएगी, वो आ जाएगी मेरी 40 / 5, 8 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर, अब जितनी देर में बी 960 करता है उतनी देर में ए कितना कवर कर देता है 1000। तो अगर 960 को मैं डिवाइड करूँ 8 से तो कितना टाइम लगेगा मुझे 120 सेकेंड्स, तो उतनी ही देर में ए मेरा पूरा 1000 मीटर कवर कर देता है। तो 120 सेकेंड में ए को कितना टाइम लगेगा 120 सेकेंड कवर करने में, कितना 1000 मीटर, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि स्लो कर रहा हूँ मैं थोड़ा, तो आप अपनी वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की रेस है, बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए, सी कैन गिव स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए इन द सेम रेस इज। अब वो बोल रहा है 200 मीटर की रेस है, बी ने स्टार्ट दिया ए को 10 मीटर का, मतलब अगर बी 200 कवर करेगा तो ए कितना कवर करेगा 190, और सी कैन गिव स्टार्ट ऑफ 20 टू बी। अब मतलब सी कवर करेगा 200, बी कवर करेगा 180। तो अब यहाँ पे दोनों को बराबर करने की कोशिश करूँगा, पहले इधर काट लेता हूँ 20 19 20 18,
आ जाएगा ऐसे। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितना है मेरा, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 20 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा 360। यहाँ 18 × 19 करूँगा तो सी कितना आ जाएगा, 400। यहाँ कितना आ जाएगा, 360। मतलब ये चीज़ बी बराबर हो गया। अब मुझे ए और सी में रिलेशन निकालना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये ए आ गया मेरा, ये सी आ गया, और मुझे 200 मीटर की रेस चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे सिर्फ 2 से डिवाइड किया, 19 × 9 करूँगा, 171 आ जाएगा। तो 171 कवर करेगा ए, और सी कितना कवर करेगा, 200। तो कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है जो सी है, वो 29 मीटर का दे सकता है। तो ए बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस हुई, कमाल ने डिफीट किया बिमल को 5 सेकंड से। अब स्पीड ऑफ कमल इज कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अभी पहले मीटर की बात हो रही है, 100 मीटर रेस है, तो स्पीड ऑफ कमल भी मैं मीटर पर सेकंड में कर देता हूँ। स्पीड ऑफ कमल कितनी आ जाएगी मेरी, 18 × 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो वो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो अब जो उस हिसाब से मेरे को कमल को कितने देर लगेगी, कमल को लगेगी 20 सेकंड्स। टाइम कितना लगेगा कमल को, 100 / 5, 20 सेकंड्स लगे। ये कमल का टाइम आया, बिमल का कितना आएगा, बिमल को कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड ज़्यादा कमल से, तो 25 सेकंड्स आ जाएंगे। तो उसकी स्पीड निकालनी होगी, तो 100 को डिवाइड से करूँगा 25 से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 मीटर पर सेकंड कमल की स्पीड आ गई। अब 4 मीटर पर सेकंड को मुझे स्पीड चाहिए लेकिन किलोमीटर पर आवर में, तो 4 मीटर पर सेकंड आया मेरा आंसर। तो 4 मीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 18/5 से मल्टीप्लाई करके, किस में, 18 × 4 = 72/5, तो वो मेरा आ जाएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी रन्स 1 किलोमीटर, ओके, ए विंस बाय 25 सेकेंड्स, ओके, ए एंड सी रन्स 1 किलोमीटर एंड ए विंस बाय 275 मीटर। वेन बी एंड सी रन द सेम डिस्टेंस, बी विंस बाय 30 सेकेंड, द टाइम टेकन बाय ए टू रन द किलोमीटर इज। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों 1 किलोमीटर की रेस लगाते हैं, तो ए जीत जाता है मेरा 25 सेकंड से। मतलब ए और बी, ये 1000 मीटर कवर करता है, ये भी 1000 मीटर कवर करता है, और इसको टी टाइम लगता है, इसको कितना लग जाएगा, T+25। अब ए एंड सी दोनों रेस लगाते हैं और ए जीत जाता है 275 मीटर से, तो ए एंड सी, तो ए कितना कवर करता है, 1000, सी कितना कवर करता है, 725, 275 से जीतता है तो 725 कवर करेगा। अब ये भी टी टाइम, ये भी टी टाइम। अब बी एंड रन सी रन द सेम डिस्टेंस, जब बी और सी भागते हैं तो बी विंस बाय 30 सेकेंड्स। मतलब अगर बी को टाइम कितना लगेगा, 30 सेकेंड, अगर 1000 1000 भाग रहे हैं, 1000 1000 भाग रहे हैं, तो बी को मुझे पता है कितना टाइम लग रहा था, T+25, तो यहाँ पे T+25। अब सी को 30 सेकेंड ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T+55। तो अब ये एक तो केस ये बना, एक केस ये बना मेरा, और एक केस
ये बना। अब क्या होगा कि जो मेरी सी की स्पीड है इस और इस वाले केस में, वो दोनों केसेस में बराबर होगी। तो मैं स्पीड ऑफ सी जब इक्वेट करूँगा, यहाँ से मेरा टी टाइम है वो निकल जाएगा। अब मैंने आगे सॉल्व करके बताया हुआ है पूरा, ये देखो। अब क्या था, जैसे हाँ, अब क्या था कि ए और बी, ये केस वन आ गया, ये केस सेकंड आ गया और ये केस थर्ड आ गया। तो इन दोनों में सी की मैंने क्या की, इक्वेट की दोनों की, इक्वेट की, क्योंकि स्पीड होगी दोनों केसेस में सी की वो बराबर होगी। तो स्पीड ऑफ सी 725 अपॉन टी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेट की, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, टी। टी कितना निकलेगा, 145 सेकेंड्स। तो 145 को जब मैं मिनट में कवर करूँगा, तो 60 से डिवाइड करूँगा, तो वो कितना आ जाएगा, 2 मिनट 25 सेकेंड। सो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, और इसका 2 मिनट 25 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, और हाँ, इसमें देखो क्या करना है, इधर से बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। अब इन ए किलोमीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड। अब ए को 1000 मीटर कवर करना है, वो टी टाइम लेता है, बी को भी 1000 मीटर कवर करना है, लेकिन वो ए से कितना 30 ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे टी प्लस 30 सेकेंड आ गया। अब दूसरा केस है, अब बोला हुआ बी बीट करता है सी को 1000 मीटर रेस में ही बाय 15 सेकेंड। अब बी को पहले कितना लग रहे थे, टी प्लस 30 1000 मीटर कवर करने में, तो अभी भी कितना लगेगा, टी प्लस 30 टाइम। तो सी को 15 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं, तो 15 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं, तो टी प्लस 45 हो जाएगा बी से, ये हो जाएगा। फिर ए बीट करता है सी को 180 मीटर, मतलब ए अगर 1000 कवर करता है, सी कितना कवर कर रहा है, 820, मतलब वो कितना कम कवर कर रहा है, 180, और वो 180 वो कितनी देर में कवर करेगा, 45 सेकेंड्स में। तो 45 सेकेंड से इसको जब डिवाइड करूँगा, वहाँ से मेरी स्पीड निकल जाएगी सी की, वहाँ से मेरी स्पीड निकल जाएगी सी की, वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड होगी, तो यहाँ से मैं कितना निकाल सकता हूँ, टाइम टेकन बाय सी निकाल सकता हूँ, वो कितना आएगा, 1000 अपॉन 4 करूँगा तो 250 सेकेंड आ जाएंगे, 250 सेकेंड। और वो टी से कितने ज़्यादा थे, टी प्लस 45 था, तो 45 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 45 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो वो टाइम टेकन बाय ए होगा टू रन 1 किलोमीटर, वो कितना आ जाएगा, 205 सेकेंड्स। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो देखते हैं कि एक बार अगर देखना है तो फिर से आप देख लो कि क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। फिर से ए और बी का एक पहले था कि ए को जो ए बीट करता है बी को बाय 30 सेकेंड्स, तो उस हिसाब से ये वाली फर्स्ट केस बना। तो फिर सेकंड दिया हुआ था कि बी बीट करता है सी को बाय 15 सेकेंड, तो बी का टाइम टी प्लस 30 आएगा और वो सी का आ जाएगा टी प्लस 45। उस हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए किलोमीटर रेस, एक किलोमीटर की रेस हुई, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। अब मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे बी स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, तो अगर ए 1000 चलेगा तो बी कितना चलेगा, 900। अभी 100t का मैं बताऊँगा कि यहाँ पे 100t क्यों लिया होगा, अभी रहने दो इसको, 1000 और 900 लो, कि ए ने गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, इसका क्या मतलब हुआ, ए 1000 मीटर कवर करता है और बी कितना कवर करता है, 900। फिर केस सेकंड है, अच्छा फिर बोलता है कि स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड। तो अगर सपोज करके ए का टाइम में टी लेता, तो बी का टाइम कितना आना था, टी प्लस 20। अब नेक्स्ट है, बट इफ बी गिव ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, अगर ए बी को 25 सेकेंड देता तो बी विंस बाय 50 मीटर्स। तो अगर ए को कितना दिया इसने, स्टार्ट, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ, बी विंस बाय 50 मीटर, तो मतलब ए कितना कवर करेगा उस टाइम पे, जितनी देर में बी पूरी रेस करता है, 950 मीटर, और बी कितना कवर करेगा, 1000 मीटर। तो अब अगर सपोज करके ए को टी टाइम लगता, तो पूरा 1000 मीटर रेस में
तो उसको कितना टाइम लगना था 950 मीटर के लिए, 0.595 t, इतना ही लगना था। तो इस पॉइंट को बचाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इसकी, ये थोड़ी मेरी कैलकुलेशंस को डिफ़िकल्ट करता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि जो ए को कितना टाइम लग रहा है वो कर दिया मैंने कि ए को 1000 meters कवर करने में 100 t लग रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ पे 100 t प्लस 20 आ गया क्योंकि 20 seconds से जीता है ए, तो जब नेक्स्ट केस आया तो उसमें क्या हुआ, जब 950 कवर करता है ए तो सीधे ही 95 t आ जाएगा, उसको कितना टाइम लगेगा 95 t, और बी का यहाँ से निकल जाएगा कि बी को कितना स्टार्ट मिला था 25 seconds का, तो 95 t प्लस 25। तो यहाँ से इस यहाँ से और यहाँ से बी की स्पीड को क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा, क्योंकि दोनों केसेस में मेरी स्पीड जो होगी वो बराबर होगी। यहाँ से और यहाँ से बी की स्पीड को इक्वेट करूँगा, यहाँ से 900 अपॉन 100 t प्लस 20 और 1000 अपॉन 95, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से 20 और यहाँ से 20 वो कट गए। अब यहाँ से मेरा जो ये 5 से पूरा कॉमन ले लिया मैंने, 5 से 20, 520 से 100, 4 से 20, 519 से 5, 5 से 25, तो 5 यहाँ से नीचे से कॉमन ले लिया, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, 9 × 19 t, 171 t प्लस 5 × 9 = 45 इज इक्वल टू 20 t × 10, 200 t प्लस 4 × 10 = 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 171 t मेरा माइनस होगा 200 t से, वो आ जाएगा मेरा 29 t इज इक्वल टू 5, तो t की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरी, 5/29। ये तो मेरी t की वैल्यू निकली है, लेकिन जो a को टोटल लाइन टाइम लग रहा था वो लग रहा था 100 t, तो t को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, वो क्या हो जाएगा 500, 5/29 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो 500/29 आ जाएगा। वही मेरा टाइम लगा कितना a को, कितना टाइम लगा 1 kilometer रेस के लिए, तो 500/29 seconds आंसर आ जाएगा। सो आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो ये आंसर आ गया 500/29। सो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।